गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। हम एक साल के गुड बाद आप मॉर्निंग लोगों से सर, मिल रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्लीज। हैप्पी न्यू ईयर सर एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्लीज। जी सर, जी केस शेयर किया था वो केस डॉक्टर वीने पढ़ेगा प्लीज। वीने जी पढ़ें प्लीज। जी गुड मॉर्निंग सर। केस पेशेंट का नाम है सहर नूर, एज इनकी 6 ईयर है और ये केस शेयर किया गया था 13/12/2022 को। डॉक्टर साहब बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? पेशेंट, कुछ देर तक रुकती है फिर उसके बाद कहती हैं सहर। तो उनका नाम क्लियर नहीं होता तो फिर IPR बताती हैं कि सहर नाम। डॉक्टर साहब फिर बोल पूछते हैं, सहर क्या, शहर बेटी क्या हुआ है? अच्छा ये बताओ क्या हुआ, अच्छा ये बताओ कैसे, किसके साथ आई हो आप? पेशेंट, अब्बू के साथ। डॉक्टर, बस अब्बू के साथ आई हो और कोई नहीं आया आपके साथ? आपके साथ और कोई नहीं आया है? पेशेंट, वो पेशेंट फिर कुछ नहीं बोलती कुछ देर के लिए, फिर रुकती हैं। डॉक्टर साहब फिर पूछते हैं उनसे कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? तब वो बोलती है कि प्ले ग्रुप में। और फिर डॉक्टर डॉक्टर साहब पूछते हैं, और तुम्हारे दोस्त हैं, क्या नाम है उनका बताओ मुझे? तो वो पेशेंट कुछ नहीं बोलती, और कोई दोस्त नहीं है। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं, कोई दोस्त नहीं है आपका? तो पेशेंट फिर भी कुछ नहीं बोलती, फिर सर सर हिला के बोलती, इशारे से कहती है नहीं। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं, नहीं है, नहीं है क्यों? क्यों? अच्छा ये दोस्त, एक दोस्त भी नहीं है। अच्छा एक आपकी ये जो का है, ये प्यार से प्यारे हैं, तो ये कौन से पहने में रहते हैं? अच्छा मुझे नहीं बताओगी? अच्छा ये कपड़े जो आपने, आपके कलर के हैं, इतने सुंदर हैं, ये किसने पहनाए हैं आपको? तो ये भी नहीं बताओगी? ठीक है, और कौन क्या है, सिर्फ अभी बताओ कि ये अलावा कि इसके अलावा और कोई नहीं आया है आपके साथ? अब्बू के साथ और कौन कौन आया है? सिर्फ आप आई हो और कोई नहीं आया? शहर शहर बताओ ना, आपके साथ बताओ, मुझसे बातें करो, मुझसे बात करो, क्यों नहीं बोल रही हो? अच्छा और आपके साथ बताओ बहन, आपके भाई बहन हैं? तो पेशेंट कुछ देर रुकती है फिर कहती है कि इसके भाई बहन हैं? तो वो जवाब देती हैं, इंसोल और हाँ, इसके अलावा कि जब जवाब नहीं देती तो, और वो सारा नीचे की तरफ अपनी, इन सभी सवालों का जब वो जवाब नहीं देती तब वो नीचे की तरफ मुंडी अपना करके और अपने हाथों के जो बाहीं के कपड़े हैं उनके, उसके साथ वो खेल रही है जैसे कुछ उसमें अपने हाथों में लपेट रही हो, ऐसा कुछ वो कर रही है। तो फिर अपने आपके भाई बहन हैं, ऐसा जब डॉक्टर साहब ये सवाल पूछते हैं उनसे तब वो जवाब देती हैं कि हाँ है। तो डॉक्टर, आपके साथ छोटे, आपसे छोटे हैं? तो पेशेंट बोलती है सर हिला के, सर से इशारा कर कहती है नहीं। डॉक्टर, आपके बड़े, आपसे बड़े हैं? पेशेंट सर सर से इशारा करती है हाँ। फिर डॉक्टर, आपको तंग करते हैं कि आप कौन से, आप उनको तंग करती हो? तो वो कहती हैं कि आपको वो हाथों से ही खेल देती, तो आपके पास क्या कहते हैं वो, नाम बताओ उनका, उनका अभी क्या है, अभी भी है ये बताओ कि भाई बहन है? तो पेशेंट अब तक अपने कपड़े के साथ ही खेल रही थी और फिर भी वो हिलाती रहती है, या फिर बहन है तो सब भी होता है क्या? डॉक्टर साहब फिर पूछते हैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है?
फिर पेशेंट कहती है सुबान सुबान, वो अपने भाई का नाम बताती है। डॉक्टर बोलते हैं अच्छा, तो सुबान आपको तंग करता है? तंग करता है कि नहीं करता? आप बताएं इसके इसके बारे में क्या 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 बताना चाहती हैं? तो वो आईपीआर से फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आप बताएं इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप। तो फिर आईपीआर उनके अब्बू जो साथ में आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं सर ये डॉक्टर साहब इसके सर ये डॉक्टर साहब तो इसके इसके दांतों में दर्द है, ऐसा डॉक्टर साहब पूछ लेते हैं। फिर आईपीआर कहते हैं नहीं दांतों में नहीं, इसके सर में चोट आई थी तभी तब ये तकरीबन 1 साल की थी, इधर से फ्रैक्चर हुआ था और बहुत ज्यादा इनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हुई थी उस टाइम पे। तो सीआई भी इसका स्कैन कराया था वगैरह, ये भी करवाया उन्होंने। तो उसके उसके बाद में उसके उसके बाद कॉम्प्लेक्स से एक हॉस्पिटल ऐसे जगह का नाम बताया उन्होंने, तो वहां पे भी गया गया उनके उनको भी कहा, तो इसका ऑपरेशन करवाना होगा। फिर क्यों डॉक्टर जो वहाँ गए थे उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करवाना होगा क्योंकि इसकी हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि ये खून खून बहुत ज्यादा इसके सर से फैल चुका है। तो आप कौन आप फिर आप कौन के लिए फिर उन्होंने जो कि उनके ब्लड का ब्लड के लिए वो बाहर गए और वो उसकी व्यवस्था की उसी वक्त गए फिर के लिए जब वो उन्होंने ऑपरेशन किया, तो ये अल्लाह की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक ठाक थी। 4 सालों तक इसका कोई तकलीफ नहीं हुआ। फिर ये स्कूल जाती थी फिर ठीक ठाक थी, और 1 महीने पहले इसके नाक से खून खून आना शुरू हुआ। हमने सोचा कि ये चोट की वजह से ही लगी है, जो जो कि हम फिर से एक हॉस्पिटल में गए गया उन्होंने दिखाया, फिर वो वहां पर उसको एडमिट कर लिए। डॉक्टर ने बोला कि जरा सी सुबह में भी खून है सर कि रुक जाएगा, इसका मतलब ये कि इसके सिर का ऑपरेशन हुआ है, खून नहीं रुक रहा नहीं रुकेगा। तो ये सोचकर ले ले गया हॉस्पिटल, और वो इसे दिखने के बाद कर लिए खून बंद नहीं हो गया। तो इसका यही ठीक होगा कि हम घर घर चले घर चले। जब खून बंद हो गया तो इसका ये ठीक था कि हम घर चले आए। 1 महीने पहले की बात है ये। आज रात को इसको खांसी आती आती रही और खांसी के साथ साथ खून भी आता रहा, ऐसा रात को हुआ। तो सुबह मॉर्निंग में वो लोग आए थे, डॉक्टर साहब पूछते हैं खांसी के साथ खून आ रहा है? तो आईवीआर जवाब देते हैं जी, आज सुबह इसको इतनी उल्टियां होने लगी कि खून खून वाली ही उल्टियां हो रही थी। डॉक्टर के साथ उनकी उतनी उतनी थी उल्टी, डॉक्टर उल्टी के साथ खून और उसके उसके साथ हाथ का खून भी आ रहा था। आईपीआर उल्टी के साथ खून की ही उल्टी हो रही थी उसमें, जैसे कि गोटियां जैसे गोटियां आती हैं उस टाइप की खून हो रही थी। फिर सर सेकेंड वीडियो सर स्टार्ट होता है यहाँ से। डॉक्टर कब से हुआ ये आईपीआर? ये जब 1 महीने पहले से फिर डॉक्टर बात हुई थी, आईपीआर भी कोई कोई नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। रात को अच्छे से अच्छी भली सोई और सुबह हमने पता किया तो इसको खून आता आता है और नाक से और ज्यादा आता है। इतना इतना है कि बसम एकदम से फिर डॉक्टर अच्छे अच्छा ये बताएं कि जब से ये बीमार हुई है तब से कोई तकलीफ कोई तब्दीली आई है इसके इसके रवैये में, इसके हालात में किसी प्रकार की चेंजेस? तो फिर आईपीआर बताते हैं इसकी तरफ से को हाँ इसकी त,
इसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। डॉक्टर ये बताती ये बोलती है जब इसको इसको उल्टी आती है, खून खून की उल्टी जब आती है तो आईपीआर। हाँ ये बोलती है। डॉक्टर क्या बोलती है ये? आईपीआर घर घर से ही घर से हम बात है घड़ी की बात है कि जब बच्चा जाहिर सी बात है जब बच्चे को खून दिखता है तो वो बोलता है। ये कोई दूसरी लेडी थी, उन्होंने ऐसा बताया था ये। डॉक्टर फिर डॉक्टर डॉक्टर तब क्या कहती है ये आईपीआर? फिर बस कहती है कि कोई देखे तो मुझे ये क्या कोई दिखता है, पूछती है कि मुझे ये क्या हो गया। डॉक्टर और क्या क्या कहती है आईपीआर? कुछ कुछ खास चेंज कुछ खास नहीं कहती, नहीं है, बस चुप चुप हो जाती है। डॉक्टर फिर जो सेकेंड आईपीआर थी एक, वो फर्स्ट मतलब कि इनके जो वालिद साहब थे वो बता रहे हैं कि रोती है बहुत ज्यादा उस दौरान। डॉक्टर साहब फिर डॉक्टर पूछते हैं कब रोती है आईपीआर? जब इसको उल्टी उल्टी वगैरह होती है तब। डॉक्टर अच्छा, वैसे टाइम रोती है उसी टाइम रोती है? क्या करती है कि रोती है और कैसे रोती है? क्या जैसे जरा बताएं उसको कैसे। आईपीआर उस टाइम पे ये मम्मा को आवाज देती है। और फिर डॉक्टर अच्छा, आवाज देती है, रोती है और दिखाती है, आवाज देती है, फिर आपकी आपकी रोती है और आपको आवाज देती है, रोती है और फिर बुलाती है और फिर आपको बुलाएगी तो ये फिर जाएगी जाएगी तो क्या फिर जब जाएगी तो क्या करेगी? आप किस बात से खुश होती है ये आईपीआर? जब दिल चाहता है तो दिल देता है तो ये चुप हो जाती है। फिर डॉक्टर डॉक्टर उस वक्त और रोती है। एक तो ये दिलासा देने से जो कि चुप हो जाती है। और फिर आईपीआर बोलते हैं चीजें देने से भी चुप चुप हो जाती है और बोलती नहीं है। फिर डॉक्टर अच्छा, बोलती नहीं है आईपीआर? वैसे तो इतनी बातें करती है कि पूछो नहीं। और जब से तकलीफ बड़ी है तब से ही बोलती नहीं है। डॉक्टर बोलती नहीं है? अच्छा जी, इस टाइम पे तकलीफ जब होती है तो उस टाइम बोलती नहीं है। और क्या करती है टाइम और क्या करती है उस टाइम? एकदम से ही चुप कर जाती है। और एक कहती है कि वैसे 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 बात बात भी नहीं मानती है। फिर आईपीआर बताते हैं कि बात नहीं मानती, और इसकी जब मर्जी होती है तब बोलती है और नहीं तो आप आवाज देते रहें नहीं बोलती। डॉक्टर और बताएं कि ये दूसरों से बोलती नहीं है और क्या करती है? और जैसे इसको किसकी होती है, कैसे होती है? और तो क्या क्या कहती है तो तंग तंग हो क्या कहती कैसे करती है तो तंग होती है? कुछ करती है कि नहीं करती आईपीआर? बस रोती है, मनाने को आवाज मम्मा को आवाज लगाती है, चिल्लाती चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा हो जा चिड़चिड़ापन हो जाता है। डॉक्टर चिड़चिड़ापन जरा सा समझाएं आप अपनी बातों से। आईपीआर जब इसको चिड़चिड़ापन होता है तब एकदम से तो बात नहीं सुनती और अपनी मर्जी की करती है। जैसे कि कोई खाने पीने को चीजें चीजें कहते हैं तो बस बेशौक हो जाती है। आप देते हैं तो खाने पीने को तो नहीं ठीक से हो जाओ तो फिर इसकी अपनी मर्जी है कि ये करेगी तो अपनी मर्जी से ही करेगी और तो आपकी मर्जी से नहीं। डॉक्टर आप चिड़चिड़ापन को समझाएं वो क्या है?
आईसीआर बस यही है कि तंग करती है। अब जाहिर सी बात है कि जब जब बात नहीं मानेगी तो उस चीज को इधर इधर उधर करती है। डॉक्टर बात नहीं मानती है और आगे आगे से क्या करती है, चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन क्या क्या कहता है इससे थोड़ा सा और मुझे मुझे समझाए समझाए ना। आईपीआर अब सोचे कि वैली वैली बात वाली सोचने वाली बात है कि मैं अभी इसके इसके साथ नहीं सोचने वाली बात है कि मैं अभी इसके साथ नहीं रहती हूँ, ये जो सेकंड लेडी थी उन्होंने बताया था। और फिर डॉक्टर साहब उनकी उनकी अम्मी से पूछती हैं, आप समझाए ना, आप तो बता सकती हैं अपनी बातें, आप समझाने की कोशिश करें। बस दिस इज द केस सर, वीडियो ओवर चले, गया। थैंक थैंक यू प्लीज, थैंक यू, यू सर। वेरी नाइस, आपने अच्छा पढ़ा। चलो जी, आप ही मुझे पहले बताएं इसके बारे में, आपने क्या समझा। यस सर, मैं मतलब कि जैसा कि वो जो बच्ची थी बाबू, उन्होंने अपने उस एक्टिविटी केस टेकिंग के दौरान जो वो अपनी एक्टिविटी दे रही थी, तो उससे मैंने जो कि जब आप पूछते थे उनसे, तो फिर वो अपने हाथों में कपड़ों को ऐसे ऐसे लपेट रही थी, अपने कपड़ों से ही बस वो खुद में ही खुली थी, लेकिन आपके सवालों का जवाब नहीं देती। तो मैंने इसके लिए प्लेफुल लिया एंड सर, फिर वो चुप ही रहती थी, ज्यादातर वो चुप ही रहती थी, तो क्वाइट डिस्पोजिशन। एंड थर्ड रूब्रिक मेरी कि जब उनको ब्लीडिंग होती है और जब वो तकलीफ में होती है, तब वो चिल्ला के बुलाती है, तो श्रीकिंग हेल्प फॉर। एंड सर फिर टिमिडिटी बेसफुल की वो पूरी केस चेकिंग के दौरान सर नीचे ही की थी, तो टिमिडिटी बेसफुल एंड उसी के साथ यील्डिंग डिस्पोजिशन चिल्ड्रेन इन सर मेडिसिन मेरी फर्स्ट इग्नेशिया एंड सेकेंड सर कॉकुलस। थैंक यू सर। जी थैंक यू, जी प्लीज नेक्स्ट वन प्लीज। जी जी सब आप बताएं। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम सर। सर जी वैसा जो इसके आईपीआर बता रहे हैं कि शायद इसके सर में चोट लगी हो, लेकिन हमारे पास उसका एविडेंस तो नहीं है ना, जी तो बिल्कुल सारा केस मेरे नजदीक तो ये ऑब्जर्व बैटरी है। तो हमने बच्ची को ऑब्जर्व किया तो उसमें यह है कि आपको आंसर नहीं कर रही, तो आंसर का वही है तो आर्चर, और मोस्टली वो सर नोडिंग कर रही है, तो आंसर नोडिंग नोडिंग बाई। और वो कहते हैं कि जब हम इसको ना वो एक लफ्ज टिपिकली ट्रेडिशनल वहाँ का जबान बोली है, मुझे वो लफ्ज नहीं कहना आ रहा, यानी उनको कंसोल करते हैं, तो कंसोलेशन एमोलेशन पिटियाते हैं, वो क्या कह रही थी, पिटियाने का लफ्ज इस्तेमाल किया था, हमें ठगाते हैं पिटाते हैं, ऐसे के लफ्ज इस्तेमाल किया खातून ने। और इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन एंड सिक वेन, जब वो बीमार होती है फिर वो इरिटेट हो जाती है, प्लेइंग डिजायर टू प्ले, और यील्डिंग डिस्पोजिशन, आस्किंग नथिंग फॉर, टिमिडिटी चिल्ड्रन इन, और वो मन मौजी है, कैप्रिशियसनेस है, रिजेक्टेड द थिंग्स फॉर व्हिच ही हैज बीन लॉन्गिंग व्हेन ऑफर्ड ही इज, तो पलस्टीला सर। जी, थैंक यू जी, प्लीज थैंक यू जी। डॉक्टर इकबाल साहब आप बताएं प्लीज। आंसरिंग लोडिंग बाई है और कैपिशनस कोकोटस टू माई चिल्ड्रेन प्लेइंग डिजायर टू प्ले है और आंसरिंग नोडिंग मोनोसिलेबसी स्लीपिंग एंग्जाइटी आफ्टर और इरिटेबिलिटी चिल्ड्रेन सिक वैन पर स्टील आ रही। ठीक जी, डॉक्टर दिलवा साहब आप टाइम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बस आप प्लीज। सर एक तो मैंने ये बनाया था कि वो जो कहते हैं ना अभी एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे मैंने ग्लियन इंजरी अबाउट ये लगाया, दूसरा क्वाड डिस्पोजिशन लगाया, टिमिडिटी चिल्ड्रन इन और एपिस्टैक्सिस, यहाँ पे आया सिलिशिया और दूसरे में आया सर फास्फोरस। आइए ठीक आंसरिंग अवर्जन टू आंसर डिलुवियन इंजरी इमिडिटी और इसमें फास्फोरस, लेकिन सर यहाँ पे वो बच्ची खेलती है ना कपड़ों के साथ वो मैंने लगाया तो वो सिंगल आई है क्रोकस स्टाइवा, लेकिन वो उसको मैंने शेयर नहीं किया।
और आंसरिंग, नो आंसरिंग, वो मैं सॉफ्टवेयर से ढूंढता रहा, वो नहीं आया। और नोडिंग, भाई मुझे फील नहीं हुआ कि कहीं वो सर हिलाती हो, चलो भी ठीक है वहां पे नोडिंग लगाते, मैंने वो नहीं लगाया सर। एक में फास्फोरस है, दूसरे में जो है ना सिलिशिया सर। चलिए, थैंक यू जी। प्लीज जी डॉक्टर, अपना पूजा प्लीज गुड मॉर्निंग सर। जी प्लीज। सर मैंने इस केस में कंसोलेशन एमुलेशन ये मुझे मार्क लगा उन्होंने जब कहा। कंसोलेशन एमुलेशन में और एक है व्हिपिंग कंसोलेशन एमुलेशन, ये भी मैंने देखा। और सिर्फ कंसोलेशन एमुलेशन अगर देखा तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका सर्चिंग ऑन द फ्लोर है, लेकिन कंसोलेशन एमुलेशन में इग्नेशिया नहीं, और सिलिशिया अगर होती तो वो थोड़ा भी नहीं बोलती, अगर टिमिडिटी के बारे में मैंने अगर सोचा तो। ओवरऑल मुझे ये एक पल्सेटिला लग रही है, क्योंकि प्रिकॉसिटी भी लग रही है इसमें। जो बड़ी लड़कियां ऐसे शर्माती है, और मुझे ये क्या हो गया इसका वो बात करना डिसीज के बारे में, तो ये प्रिकॉसिटी भी लग रही है, तो मुझे ये पल्सेटिला लग रही है। थैंक यू जी, थैंक यू प्लीज। अच्छा, वोमिटिंग के साथ जो था वो क्या था, वो जरा सिम्टम पड़े जरा, वोमिटिंग वाला जो था, रोती है, वोमिटिंग करती है, फिर क्या हो जाती है, फिर चुप हो जाती है, ये सब आप फिर डॉक्टर यस बीने। सर, वो रोती है और वोमिटिंग भी उनको होती है, और फिर वो चुप हो जाती है और उस दौरान चिल्ला के अपनी अम्मी को बुलाती है जब वो उनकी ब्लीडिंग बिल्कुल वाली। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले, थैंक यू जी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ना मैंने कहाँ से पकड़ा है इसको। वो चीजें थी, थोड़ी बहुत मिक्सचर थी। बहरहाल आप लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको वो एंगल बताता हूँ कि मैंने कैसे इसको देखा क्या है सर फाइनल रेमेडी? जी। अभी आपको बताता हूँ ना, तो मजे की बात ये देखना, मैंने जहां से मैंने केस को पकड़ा है वो बताता हूँ। कुछ नजर आया आप लोगों को? यस सर, ठीक। यस, पल्स स्टिला है ये, ठीक है। वो में ग्रेट सर, बीपिंग बीपिंग चिल्ड्रन वोमिटिंग विद इजी पल्स स्टिला, सिंगल पल्स स्टिला। देखिए, अगर आप अगर पल्स स्टिला को आप पढ़े, पल्स स्टिला जो होती है वो रोते रोते अपनी बातें कन्वे कर जाती है, और वोमिट का मतलब ये होता है कि अपना अंदर का गुबार बाहर निकाल देना, अंदर जो पेट और में सर चीजें। व्हीपिंग, सर व्हीपिंग हाँ, कंसोलेशन एमुलेशन में भी सिर्फ फाइव मेडिसिन है। उसमें भी है ना, उसमें भी है। लेकिन यहां पर ना एक बड़े मजे की बात है, ये वाली बात भी है ना कि कंसोलेशन भी है इसकी, और साथ ये बीपिंग विद इजी, यानी रोते हुए आसानी से, जो मरीज ना रोते हुए आसानी से बातें बता रहे, यानी वोमिटिंग बेसिकली अगर मेडिकल टर्म में देखें ना, इसमें सारी मेटाफोरिक देखें, यानी बेसिकली इसको दोनों यूज भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी यूज होती है और मेटाफॉरिक भी। तो मेटाफॉर के लिहाज से होता है कि जो आप अंदर का जो गुबार, पेट में जो चीजें ना, वो बातें बाहर निकाल देना रोते हुए, यानी वो अपनी जाए ख्वाहिशात, चाहे जो भी है, चाहे वो कुछ सोल्यूशन सिमुलेशन है, वट एवर जो भी चीजें हैं, या आप रो के अपनी चीजें, ये सबसे ज्यादा लड़कियों के पास, फीमेल के पास हथियार होता है, रोते हुए अपनी बातें कह देना, अंदर की बातें। ग्रेट सर, सर आप महान हैं। तो ये बड़ा यूनिक किस्म का है कि हर बंदा ऐसा नहीं कर सकता। तो यहां से मैंने इस केस को पकड़ा कि कहती है रोते हुए वोमिटिंग करती है, और उसके बाद ये हम चुप कराते, चुप हो जाती है। तो बस वहां से वो बात मुझे क्लिक कर गई, और बाकी चीजें ना खैर आप टेली कर सकते हैं इसमें। तो देखिए ये केस मेरे पास वेरी नाइस, आप लोगों ने मोस्टली जो है रीच ओवर देयर, लेकिन केस को थोड़ा सा मेडिसिन को आपने समझना भी होता है, पूरी तरह देखना होता है। बच्चों में केस टेकिंग था, बच्चों के मतलब पूछना होता है। केस टेकिंग में आप देखिए बच्चों के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको ये तरीका होता है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसको एपिस्टेक्सिस थी, ये मेरे पास मार्च में आई थी, 2020 में आई थी।
यानी कि 20 में आई है मेरे पास, और उसके 3 एक महीने ने मुझसे ट्रीटमेंट लिया था। टोटल मेरा ख्याल है कोई 3 4 डोजेस दी थी टोटली थी इस अरसे में। तो ये तक मुझे असल में कैसे आया था, पिछले हफ्ते मेरे पास ये आफ्टर 1 हफ्ते बाद आए, कहते हैं हल्का सा ब्लड उसको आया है, एपिस्टेक्सिस भी हल्की सी हुई है एक दफा आफ्टर दी 2 ईयर। और दोबारा उसको मैंने डोज दे दी बस। यानी उसके बाद कल, यानी पिछले वीक, यानी 7 डेज बिफोर, दे विजिटेड मी, खुद भी नहीं आए वो मरीज, नहीं आया उसका अटेंडेंट आया, उसने मुझे आकर जस्ट काजी हल्की सी उसको आई थी, मैंने उसको बस डोज दे दी एक और आफ्टर मुझे दोबारा उन्होंने फोन किया कि जी, उसकी मदर ने मुझे कहा जी कि अब वो भी नहीं आया, बस एक दफा आया हमने एहतियातन दवाई ले ली। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि देखें कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो एक इम्प्रेशन है जी, ये पेलिएटिव काम करती है बीमारी को ठीक, लेकिन यही होता है ना, आप इससे ज्यादा क्या करें। देखें आप एक निज़ाम सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स सारी 2 ईयर तक इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन डे वन से ये ठीक हो गई थी, एपिस्टेक्सिस उसको हुई नहीं थी। तो ये है पस्टेला का केस। और क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा बच्चों में देखे ना, बच्चों में ये जो चीजें आती हैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो। अब स्लेशिया जिन लोगों ने बनाया, स्लेशिया का चाइल्ड जो होता है वो कभी डायरेक्ट बात नहीं बताता, नॉर्मली वो बातें अपनी बातें अपनी मम्मा को बताती है, मम्मा आगे से बताएगी। फास्फोरस का चाइल्ड तो आप दूर से पहचाना जाता है, जिन लोगों ने फास्फोरस लेकर आया ना, या डीडी में थी फास्फोरस, फास्फोरस तो बच्चा आपको बहुत मजा आएगा फास्फोरस के बच्चे से मिलने के बाद, ठीक है। कार्सिनोसम का बच्चा हो गया, फास्फोरस का बच्चा, इन बच्चों के साथ आप मिलेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आप कहेंगे यार कितने प्यारे बच्चे के साथ मिले और बड़ा मजा आ रहा है। वो चुप नहीं होगा ना सर, वो मुसलसल हाँ अपने कम्युनिकेशन करता रहेगा। बिल्कुल, बच्चा तो बाकी बात है, फास्फोरस के बच्चे दूर से पहचाने जाते हैं, कार्सिनोसम के बच्चे फास्फोरस। और कौन कौन सी मेडिसिन निकाल के लेकर आया हूँ, तो थोड़ा सा अपना फोकस भी करना है, ध्यान भी देना होता है कि मेडिसिन जो होती है, देखिए अगर यहाँ पर आपको मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर क्लैरिटी है ना, देखिए मैं आपको कोशिश करता हूँ मेडिसिन की ना डीप अंडरस्टैंडिंग बताता जाता हूँ, नहीं वो ऐसा करता क्यों है, कोई भी एक्शन है चाहे जरूरी नहीं, वो चीजें आपस में रिजेंबल्स कर रही होती है एक दूसरे, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, फिर अगर ऐसा करता है उसके बाद सेकंड थर्ड सिम्टम आपको बताएगा, वो आपस में कोरिलेट करेंगी बातें। अब पस्टेला के बारे में डॉक्टर पूजा ने बड़ा अच्छा पढ़ाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसने आगे लेक्चर भी दिया है, तो आप डॉक्टर पूजा देखेंगे जो पस्टेला है वो क्या, जिन्हें वो बातें जो आपके अंदर पेट में छुपी होती है ना, वो वीपिंग के जरिए बाहर निकाल देती है। ये भी उसकी 1 हफ्ता आस बात है, तो सेल्फिशनेस की इंतहा भी होती है उसके अंदर, तो जेलसी की इंतहा होती है उसके अंदर, इस हद तक होती है कि वो चीजें करती है सब। तो बहरहाल इस चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना होता है, फिर आपको अंदाजा होगा कि किस किस्म के लोग होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी, आप तुम लोगों ने पस्टेला तक पहुंचे, मेडिसिन को आपने समझना है डीप अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जब तक आप उसकी, देखिए अभी जिस तरह आपको चाइना में नहीं पढ़ाई है, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को किस हद तक आई है, अभी मुझे मुझे ये वैसा महसूस होता है, मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ बताता हूँ कि आपको चाइना मेडिसिन अभी तक आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों ने जितना मैंने आप लोगों पे काम किया, जितना मैंने डिस्कस किया, जितना आप लोगों को चांस दिया, तो मैं फ्यूचर में केस डालूंगा, और मुझे पता है कि आप केस हल नहीं कर सकेंगे, मैं अभी से बता दूं, मैं क्लेम करता हूं आप नहीं हल कर सकेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बस सिर्फ सुपरफिशली देखा है, सिर्फ आपने जो देखा है, जो बातें मैंने बताई उससे थोड़ा सा भी आप उसको भी आपने बहुत गौर से नहीं देखा। देखिए मेडिसिन को समझना इस वजह से कि मेडिसिन ऐसा करती है, पर ऐसा क्यों करती है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपको इस थोड़े डिस्कशन में जाता हूँ, मैं अब चाइना आपको मैंने बताई है, अब चाइना को कोरिलेट करें सेंसिटिविटी के ऊपर, खाने पीने की सेंसिटिविटी, वीकनेस की सेंसिटिविटी,
ये जो है सेंसिटिविटी, सेंसिटिव इज द नेगेटिव टर्म, इज नॉट अ पॉजिटिव टर्म। नेगेटिव टर्म में जो होता है कि देखिए जो बंदा यार मुझसे बड़ा टची से बंदा है, फ्लावर से सेंसिटिविटी, चीजों से सेंसिटिविटी, बंदों से सेंसिटिविटी, इमोशन सेंसिटिव, हर चीज सेंसिटिव है उसकी। सेंसिटिव इज नेगेटिव टर्म, और उसके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव अप्रोच, नेगेटिव चीजें आती हैं। नेगेटिव मीन्स होता है कि इट्स नॉट अ पॉजिटिव टर्म, बंदा टची है। ठीक है, तो अब आपको अंदाजा होगा कि किस तरह चीजें, इस तरह चीजें जब आप समझेंगे तो आपको फिर उसके बाद उसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, ये आपको समझना है। हर बंदे की कैपेसिटी, मिसाल के तौर पर छोटी सी बात बताता हूँ, एक बंदा है बहुत क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, एक पर्सन है, वो बहुत वीक है, ये घर में मुलाजम है और मुलाजम है वो बहुत वीक है, तो वो उसकी अगर सेंसिटिविटी, तो वो अपने लेवल पे अपना रिएक्शन करेगा ना। एक बॉस है वो अपने लेवल पे करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद अगले स्टेज में कैसे जाएगा। अब जो बंदा वीक है तो वो अगले स्टेज पर आराम से चला जाएगा, जो बॉस है वो थोड़ा आपको महसूस ज्यादा हो रहा है चूंकि, लेकिन बॉस भी तो है ना, ये घर का सरबरा है, बड़ा है, तो वो उसका लेवल तो बड़ा है, तो आपको बड़ा महसूस हो रहा है, लेकिन चूंकि सब चीजें बड़ी है ना। देखिए मिसाल, एक चीज इतनी बड़ी है, ठीक है, ये से छोटी है, ये इतनी बड़ी, ये आपको नजर आएगी, फिर यहां पर जाएगी, ये यहां पर आएगी ना, ये ऊपर जाएगी, जैसे होगी। कहने का मतलब ये होता है कि जो बड़ा होता है नजर तो बहुत बड़ा आता है, लेकिन वो ऑलरेडी बड़ा है तो बड़े ही बड़ा नजर आता है, इसलिए जो छोटी चीजें हैं वो छोटी 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 उसके मुताबिक होंगी। तो इसी तरह बीमारी की कंडीशन में कन्वर्ट होता है तो वो भी आपने देखना होता है, तो ये चीजों को आपने समझना होता है। तो मैं फ्यूचर में देखता हूँ कि आप लोगों के साथ तक इसको अंडरस्टैंड किया, फिर मुझे बदलेगा, ये मैं आज आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ। ओके, तो सर व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीद है बाहर रख। इंशाल्लाह मैं जो चीजें आपको बता रहा, अब आप, मैं प्लाटीना पे शिफ्ट हुआ मैं, ठीक है। अब आपने प्लाटीना, कहना बहुत आसान है, समझना बहुत सारी, इसको समझना जरूरी है। अब आप प्लाटीना मेडिसिन की तरफ में शिफ्ट हुआ हूँ और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें मैं आपके नोटिस में दिला देता हूँ पहले से। अब आपने कुछ काम करें, वो काम आपके जिम्मे ड्यूटी लगाऊंगा। देखिए जो करना चाहते हैं करें, जो नहीं करना चाहते, जिनको मैंने उस दिन भी रिक्वेस्ट की, फोकस किया, वो उन्होंने जस्ट आना है, सुनना है, चले जाना है, उन्होंने, वो कहते हैं कि विद वर्ल्ड ऑफ हिपालोजी, कुछ लोग होते हैं वो आते हैं दुनिया में, आते हैं, आते हैं, बस चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं आके अपने लिए, दुनिया के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए कुछ करके जाते हैं। इन्हीं अपने लिए तो हर एक बंदा जिंदा रहता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो आप बंदा अपने लिए है, चाहे वो आप अच्छी जिंदगी गुजारे चाहे ना गुजारे, आप कुछ खाएं ना खाएं, आपका टाइम गुजर जाएगा। यानी आपने बहुत अच्छा खाया है, मुझे क्या इश्यू है, आपने बहुत कम खाया है, मुझे क्या इश्यू है, आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, मुझे क्या इश्यू है, आपने अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी तो मुझे क्या इश्यू है, आपका वक्त दोनों का गुजर जाएगा, जिसने अच्छी गुजारी है उसका भी गुजर जाएगा, जिसने अच्छी नहीं गुजारी उसका भी गुजर जाएगा। लेकिन इश्यू किसको है, आपका व्हाट यू है रिएक्ट टू अदर्स, टू द वर्ल्ड, आप अपनी फैमिली, आईपीआर, लोगों, दुनिया के साथ कैसे, क्या बर्ताव करते हैं, क्या बिहेवियर करते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं, क्या देते हैं, क्या नहीं देते, दिस इज अकाउंटेबल। रिलीजियस में भी, रिलीजन में भी है ना, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, साथ साथ लगा दी, मेरी मेरी बात करो, आपने अपने मजाहब में होता है, हिंदू है वो खाली दुनिया के लिए इसलिए नहीं आए कि वो कहें जी उनको भी, उनके लिए भी शरायत है कि कुछ हमारे लिए करें, यानी दूसरों के साथ रवैये बड़े काउंट करते हैं, चाहे वो अपनी जात से हटके, तो ये चीजें काउंट होती हैं, यानी आपको सबक आ भी गया। अगर आपके हाथ से मरीज ठीक नहीं हुआ तो आपके मरीज अगर ठीक होता है, इसका मतलब ये आपने मरीज को कुछ दिया है ना, यानी आपके साथ मरीज आपका ठीक होना भी जरूरी है, तो मरीज ठीक होने के लिए आपको सबक आना जरूरी है। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये, व्हाट यू डू फॉर अदर्स, तो यहां पर आपने इस चीज को सोचना ये है कि जब भी आप कुछ करते हैं, कुछ कर रहे हैं, इट मींस कि आप लोगों का दूसरों के साथ क्या है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप दूसरों के लिए कुछ बने, कुछ करें, और ये काम करने से पता चलेगा, और कुछ लेंगे तो करेंगे ना,
जेब में कुछ डालोगे तो निकालोगे ना, मुझे बताए ना, कुछ डालेंगे नहीं निकालेंगे कैसे आप? कोई बंदा निकाल के बता सकता है? वहां के पेट से तो कुछ नहीं सीख के आते ना, आप दुनिया में आएंगे ये बात समझे कि मैं गरीब हूं, मेरे पास फलान नहीं है फलान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपके पास अल्लाह तआला ने दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, आप अपने आप को कमतर महसूस न करें। यू आर द सुपीरियर पीपल, ठीक है, अपने आप को कभी भी कमतर महसूस न करें। आपको सब कुछ, सिर्फ आपका काम है एफर्ट्स करना बस, और रिवार्ड मिलेगा आपको लाजमी, कभी भी किसी का रिवार्ड जाया नहीं होता। सो टाइम इज बीइंग फिनिश्ड एंड देन कम पादी प्लैटिनम के पाते हैं, ठीक है, दोबारा रीज्वाइन कर लें प्लीज।